हेलो एवरीवन, नाउ ऑडिबल। चलो, हेलो एवरीवन, नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अरुण सिंह रावत और एक बार फिर से आप सभी लोगों का आज के सेशन में मैं करता हूं स्वागत। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन, SICI पे डिस्कशन करेंगे आज। तो एक बार सभी लोग अपने अपने सारे फ्रेंड्स लोगों को बता दो कि अरुण सर लाइव आ चुके हैं, क्लास को शुरू करेंगे। तो एक बार जल्दी से सभी लोग ग्रुप पे मैसेज कर दो, बता दो सभी को। क्लास की शुरुआत करने से पहले एक बार जल्दी से सब लोगों से मैं कहूंगा कि जल्दी से शेयर कर दे। मजेदार सेशन होगा, काफी मजा आने वाला है। सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट के सवाल, कुछ सवाल सिंपल इंटरेस्ट के, कुछ सवाल कंपाउंड इंटरेस्ट के होंगे। मैक्सिमम लोग जुड़ चुके हैं हमारे साथ में। पहले बताओ कि आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने टाइम एंड वर्क, प्रॉफिट लॉस दोनों रिवाइज कर लिया? ऑलमोस्ट सभी ने, है ना। चलो साथियों, मेरा नया कोर्स भी स्टार्ट हो रहा है, तो जो बच्चे मेरे से बेसिक से पढ़ना चाहते हैं वो मेरे नए कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। रेफरल कोड आपको यूज करना है ABP10, ठीक है। चलो, और बाकी मुझे फॉलो कर लीजिएगा। फॉलो करने से आपको मेरी क्लास का जो नोटिफिकेशन है वो अपने आप मिल जाएगा। एंड वन मोर थिंग, टाइम एंड वर्क कल होगा, PDF आपको सेशन के एंड में अपने आप मिल जाएगी। चलिए स्टार्ट कर रहा हूं। सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट, देखिए वैसे तो सिंपल कंपाउंड इजी होता है, बट कई बार क्या होता है कि देखो प्रैक्टिस वाला गेम है तो इजी, लेकिन क्या होता है कि जब तक हम इसको रिवाइज नहीं करेंगे, इसको समझेंगे नहीं, तो ये सबसे मुश्किल टॉपिकों में से बन जाता है। थोड़ा सा पहले मैं आपको इसका बेसिक समझाता हूं कि सिंपल कंपाउंड का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्या है। एक मिनट, सब लोग जरा पहले आ जाएं। चलो देखो, जब बात की जाती है इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स की, तो दो तरह से समझते हैं हम कॉन्सेप्ट को। सिंपल इंटरेस्ट बेसिक चीज है कि प्रिंसिपल रेट और टाइम अपॉन 100 बेसिक है। अमाउंट जो होगा वो P+SI। आपने यहीं पे कॉन्सेप्ट बना दिया कि P SI की वैल्यू भी कितनी होती है, PRT/100। तो आपने जब P कॉमन ले लिया तो एक फॉर्मूला बन गया 1+RT/100। तो ये सिंपल इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट है और कुछ भी नहीं। सिंपल इंटरेस्ट में बेसिक चीजें आपको क्या ध्यान रखनी है, लाइक रेट 10% है, समय 2 साल है, तो सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा 20%। बेसिक चीज समझ रहे हो, 10% 2 साल, SI 20। लेकिन अगर 10% 2 साल है और CI पूछ रहा है, ये तो SI था, तो कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा 21%। यू आर गेटिंग माई पॉइंट। अब ये कैसे हुआ, सक्सेसिव लगा देते, 2R+R² / 100, दिस इज कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर। सही है, मैं सीधे क्वेश्चन लेके आ रहा हूं, क्वेश्चन से समझ में आएगा। चलिए पहला सवाल, एक राशि इतना हो जाती है 3 सालों में, इतना हो जाती है 4 सालों में, प्रिंसिपल बताइए और सिंपल इंटरेस्ट है। यस कम ऑन,
सिंपल इंटरेस्ट है, मतलब 3 सालों में देखो 3 सालों में 1603 हो जाती है, 4 सालों में 1708 हो जाती है। तो प्रिंसिपल निकालना है, क्या करेंगे, 3 साल का मतलब कि प्रिंसिपल प्लस 3 साल का एसआई 1603, प्रिंसिपल प्लस 4 साल का एसआई 1708, माइनस करा हमने इसमें से इसको, तो सिंपल इंटरेस्ट केवल 1 साल का मिला 0101। एक बार कमेंट करो, अच्छा 1630 है, सॉरी। तो कितना हो जाएगा, 4 10 में से 3 गया 7, 74, और ये 1608 है, सॉरी 78, ठीक है 78। तो 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना है 78। तो हमें प्रिंसिपल निकालना है, तो अगर मैं 3 साल का निकाल लूं तो सिंपल इंटरेस्ट 3 साल का 3 8 24, 3 7 21 और 2 23, 234 रुपए। तो आपने कहा कि अमाउंट गिवन है, तो अमाउंट गिवन है वो जो होता है वो प्रिंसिपल प्लस 3 साल का एसआई है। तो अमाउंट 1603 रुपए है, समझ में आ रहा है सबको, 1630 सॉरी, प्रिंसिपल निकालना है 234 हटा दो 1296, कितना 15 में से 2 गया 1396, प्रिंसिपल आ गया 1396। तो इस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो कर लोगे एवरीवन, इस तरीके का सवाल एग्जाम में आएगा तो कर लोगे, एक बार जल्दी से हाँ या ना बोलो, ठीक है। 234 कैसा है, ये 1630 था, उसने कहा कि 1630 1708 इसमें से इसको माइनस किया 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट, तो मैंने कहा 3 साल का निकालो, इनटू 3 क्या, ये 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट है 3 इयर्स, तो यहां पे रख दिया 3 इयर्स का, माइनस कर दिया, प्रिंसिपल आ गया, बेस्ट। नेक्स्ट एक और, सम ऑफ मनी इतना हो जाता है 35 सालों में, आर परसेंट वैल्यू ऑफ आर, सिंपल है, इसको कुछ कंफ्यूजन नहीं रखना है। सम ऑफ मनी मतलब कि प्रिंसिपल अगर 16 है तो अमाउंट कितना हो जाता है 79, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 9 में से 6 गया 3, 7 में से 1 गया 6, समय कितना है 35, तो रेट निकालना है, हो जाएगा सॉल्व। तो SI इज इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100, सिंपल इंटरेस्ट 63 है, 16 है, समय 35 है, अपॉन में 100 है, तो 7 9 जा 7 5 5 से 20 बार, 4 चौके 16 4 5 20, 45/4 आ रहा है समझ, थम्स अप। एक बार सभी लोग कमेंट करके बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, सर्टेन सम इन्वेस्टेड सिंपल इंटरेस्ट द अमाउंट विच इज टू ग्रो इन 5 ईयर, इतना है इट ग्रोन इन 3 ईयर, मतलब अमाउंट जो 5 साल की है वो क्या है, 5/4 है अमाउंट 3 साल का, थम्स अप करो, जो 5 साल की अमाउंट है वो 5/4 है 3 साल का, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। इस सवाल मैंने आपको क्लास में भी कराया होगा, है ना, ये सवाल मैंने क्लास में भी कराया होगा इस टाइप का, कि अमाउंट 5 साल का 5/4 है अमाउंट 3 साल का, कैसे करोगे, देखो 5 साल का अमाउंट अपॉन 3 साल का अमाउंट, तो इसको मान लो कि ये 500 रुपए है, इसको मान लो ये 400 रुपए, कोई दिक्कत तो नहीं है, सही है बॉस। और अगर मैं इसमें से इसको घटाऊंगा इसमें से इसको, तो सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा 2 साल का, दैट इज 100 रुपए, सिंपल इंटरेस्ट 1 साल का हो जाएगा 50 रुपए, तो सिंपल इंटरेस्ट 3 साल का हो जाएगा 150 रुपए, जल्दी से हाँ ना बोलो। तो आपने कहा 1.5 साल का 300 यहां रख दो, तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 250 रुपए, क्योंकि ये जो है प्रिंसिपल प्लस 3 साल का ऐसा ही है, प्रिंसिपल 250 हो गया, सिंपल इंटरेस्ट हो गया 50 रुपए 1 साल का, तो रेट कितना हो जाएगा, आर निकाल दो भाई, 250 का आर परसेंट 50 है,
जीरो, 25 दूनी 50, आर बराबर 20%। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे तो कर लोगे ना। सिंपल इंटरेस्ट हालांकि कम आता है, वैसे सिंपल कंपाउंड के साथ ज्यादा आता है, पर एक बार मुझे पहले बताओ कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसमें कोई ट्रिक नहीं है, वो सब बेसिक सी है। आपने अमाउंट दे रखा होगा तो बेसिक ही लगाना है, कोई शॉर्ट ट्रिक के पीछे मत भागो। नेक्स्ट, एक और सिंपल इंटरेस्ट 9/35 है सम का, नंबर ऑफ इयर्स इतना है इतना, तो ये सेल्फ करोगे। नेक्स्ट, सिंपल इंटरेस्ट में इसलिए करा रहा हूं ताकि आपका रिवीजन हो जाए अच्छा खासा, ट्राई करो। संजय ने 900 रुपये 4% पे खरीदे, 1100 रुपये 5%, कितने टाइम के लिए? सेम ड्यूरेशन, तो 9 × 6 = 36 टी समय के लिए, 11 × 5 = 55 टी समय के लिए, इतना इंटरेस्ट मिल रहा है। तो जाएगा 91 t = 2, तो टी बराबर 4। बेस्ट। नेक्स्ट, ये भी सेम ऐसी है, सम ऑफ मनी सिंपल इंटरेस्ट 36 टाइम्स इन 100 साल, तो 29 टाइम कितने साल? 36 × 100 सालों में हो रही है। कैसे करोगे? देखो इसका एक बेसिक कॉन्सेप्ट याद रखना, 36 गुना हो रही है 100 साल में, कि मतलब अगर प्रिंसिपल आपका 100 रुपए है तो अमाउंट कितनी हो रही है? 3600, 100 साल में, है ना? वही बेसिक। क्या करोगे, कैसे लगाओगे कि 100 36 गुना हो रही है 100 साल में, तो SI = PRT/100, तो SI कितना हो जाएगा? 3500। 100 रेट नहीं पता, समय 100 साल, तो रेट आ जाएगा बेटा 35, ये से कटा 35 आ गया। फिर 29 गुना, तो 29 गुना का मतलब कि प्रिंसिपल 100 है, तो आपका हो गया SI = PR, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है पहले तो ये बताओ। 2800 हो जाएगा, आर 35 है, तो T = 2800/35 कितना हो जाएगा? काट लोगे 7 × 28, 7 × 5 = 8 जाओ। बेस्ट। एक बार हाँ है ना बोलो। इसका एक शॉर्ट ट्रिक भी होती है, एग्जाम में इस तरीके से भी कर सकते हैं, शॉर्टकट भी होती है, कि N1 - 1/T1, N2 - 1/T2। N1 मतलब नंबर ऑफ टाइम्स, T1 मतलब ईयर, कितने गुना हो रही है पहले वाले में? 36 गुना हो रही है 100 साल में, कितने गुना हो रही है? 29 गुना T2 साल में, तो 35/100, 100 सॉल्व कर दोगे सेम आएगा। तो आप शॉर्ट ट्रिक भी लगा सकते हो, बाकी बेसिक कॉन्सेप्ट तो है ही इसका। आ रहा है समझ में एवरीवन? चलिए नेक्स्ट, एक और इस वाले को ट्राई करेंगे सब लोग बना। ट्राई करो शाबाश।
समझते हैं, 5000 डिवाइड दो पार्ट में डिवाइड किया, एक इतना इतने साल के लिए जो सिंपल है, डबल है सिंपल इंटरेस्ट सेकंड, मतलब कह रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट फर्स्ट पार्ट का, फर्स्ट पार्ट पार्ट वन कर दिया मैंने, वो क्या है डबल है। तो सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है, प्रिंसिपल मान लो एक्स से पहले का इतने समय के लिए, रेट टाइम कितना है 6 18 20 बटे 3 और अपॉन में 100, डबल है दूसरे वाले का 4 2 8 और 3 11 बटे 4 4%। थम्स अप करो फटाफट से एवरीवन फास्ट। अब यहां से रेशियो निकाल सकते हैं हम लोग, तो दिस 100 100 4 4 3 7 5 6 20 2 2 4 तो ये जाएगा 14x इज इक्वल टू अपॉन 11 अपॉन 14, इसमें बांट लेना इसको, ठीक है। तो डिफरेंस बिटवीन दोनों का डिफरेंस 3 अपॉन 25 5600 आंसर है बेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट इस तरीके का क्वेश्चन आएगा, हो जाएगा एक बार आए ना बोलो सर, है ना, सिंपल इंटरेस्ट इस तरीके से क्वेश्चन बनेंगे, हो जाएगा ठीक है। एक सवाल और देखते हैं सिंपल इंटरेस्ट का, ये रहा, अच्छा क्वेश्चन है। एक आदमी ने 90,000 इन्वेस्ट किया स्कीम में, जहां पर 16 19 31 मिल रहा है, तो जो अमाउंट सी से मिल रहा है 50% ज्यादा है ए से, तो अमाउंट इन्वेस्टेड बी, अगर उसको इतना अमाउंट, इफ ही गेट्स इतना अमाउंट फ्रॉम 3 साल से, एक क्वेश्चन ये थोड़ा कैलकुलेटिव होगा लेकिन डुएबल है, ट्राई कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है, मतलब बनाओ बनाओ शाबाश। कोई आंसर, अच्छा देखो साथियों, क्वेश्चन ये था कि आपने क्या किया, 90,000 रुपये इन्वेस्ट किया, बहुत ध्यान से समझना, 3 स्कीम में, कुछ पैसा यहाँ लगा दिया, कुछ पैसा बी में लगा दिया और कुछ पैसा सी में लगा दिया। आगे बोल रहा है 16 19 31, यहाँ 16% पे लगाया, यहाँ 19% पे लगा दिया और यहाँ 31% पे लगा दिया। आगे बोल रहा है कि द अमाउंट इन्वेस्टेड सी में 50% ज्यादा थी अमाउंट ए में, तो जो सी में इन्वेस्ट किया वो 50% ज्यादा थी, तो मान लीजिए यहाँ पे अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो 200x, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, अब 200 ही क्यों लिया, क्योंकि 50% का मतलब 1/2, तो मैंने कहा यहाँ 200 लगा रहे हैं तो यहाँ कितना लगा रहे हैं 300x, एक बार थम्स अप करो। तो यहाँ कितना इन्वेस्ट करूंगा, 2 और 3 500x माइनस कर दो, 90,000 माइनस 500x, एक बार हाँ है ना बोलो, थम्स अप, बेस्ट। अब यहाँ 16% के हिसाब से 16 2 32 रुपए इन्वेस्ट हो गया, तो 232 रुपए, यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट कितना हुआ 32%,
32, यहां 19, यहां 31 थी, यहां 93x, ये सिंपल इंटरेस्ट है। अभी अमाउंट जोड़ेंगे इसमें तो अमाउंट कितना हो जाएगा इसका, 232, इसका अमाउंट 393, इसका निकालो 19%, तो 19 5 95 और इसको कर लो 90,000 का 2%, 900 × 19, 19 9 जा 171 00, तो उसको जोड़ दिया मैंने, प्लस 171 00, दिस मस्ट बी इक्वल टू 150300। एक बार समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? और कितने साल का बोला है उसने, 3 साल का बोला है ना उसने, 3 साल का, तो ये 3 से डिवाइड कर दो, 1 साल का अमाउंट निकल जाएगा। भाई ये सब हमने 1 साल के ही तो निकाले, 1 साल का ही तो है ना, 3 साल का लेंगे, इसको 3 से डिवाइड कर दो, तो जब 3 से डिवाइड करोगे तो 3 5 15 0 3 1 जा, ये देखो आया समझ में, एक बार आया ना बोलो। तो बेसिकली आपने कहा ये 3 साल की जगह हमने इसको 1 साल का कन्वर्ट कर दिया, ये अब हमने इसको बराबर कर दिया। अब सॉल्व कर लेंगे, तो डायरेक्टली कर लूं, एक बार कमेंट करो, 232 393 और ये 5 हो जाएगा बेटा, 595 ये, माफ कीजिए, 595 होगा है ना, फिर ये 19% निकालोगे ना इसका, तो ये इतना हो जाएगा, और माइनस 595, तो ये बचेगा 30x केवल, और ये हो जाएगा 17,100 का माइनस चला जाएगा, 50 में 17 गया 33, तो x बराबर 1100। थम्स अप, तो बोल रहा है कि अमाउंट इन्वेस्टेड इन बी, ये रहा, तो 1100 × 5 55, और ये रहा, आ रहा है समझ में, थम्स अप करो यार। अरे अरे ये भी गलत कर दिया मैं, एक मिनट, ये भी तो जोड़ना था, उल्टा हो गया, कोई बात नहीं, चलो हो जाएगा ना, मैं छोड़ दे रहा हूं उसको, एक काम कर रहा हूं, थोड़ा लेंथी हो जाएगा ये, देखो ये तो 232x है, और ये जोड़ेंगे अभी इसमें, तो 90,000 में कितना जोड़ेंगे, 17,100 भी जोड़ेंगे, तो ये होता 107,100 माइनस 595x। अब सही है, ठीक है बॉस, अब सॉल्व कर लेना इसको, सही है, थोड़ा लेंथी जाएगा, बट एग्जाम में इस तरह की क्वेश्चंस को हम बचेंगे, हम एग्जाम में क्या करेंगे, इस तरह की क्वेश्चन से बचेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा टाइम लेगा हमारा, छोड़ देना इसको, बाय ऑप्शन चाहो तो कर सकते हो, बाय ऑप्शन, फिर वही चीज है, बाय ऑप्शन भी 5 ऑप्शन है, क्यों ट्राई कर रहे हो, नेक्स्ट कंपाउंड इंटरेस्ट पे आ जाओ, आ जाओ, जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा विल मूव टू कंपाउंड इंटरेस्ट कॉन्सेप्ट, सबसे ज्यादा क्वेश्चन कंपाउंड पे आएगा इस तरीके से, एक समय इतना इतना हो जाती है 2 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट में, तो सिंपल इंटरेस्ट में इतने साल में डबल द अर्लियर रेट कितना होगी। अब इसको देखो, ये क्वेश्चन डुएबल है, प्रिंसिपल दे रखा है, अमाउंट दे रखी है 7748, शायद मैंने आपको बताया होगा, जब बेसिक पढ़ा होगा कि समय 2 साल है, तो हम क्या करेंगे इसका रूट कर देंगे, क्यों, क्योंकि हमको रेट निकालना है, तो रूट करेंगे, पहले इसको किसी रेशियो में कन्वर्ट करो, 5 से डिवाइड किया या 3 से डिवाइड कर लो, तो 25 375 2600 29 16, अब रेशियो में बना दो इसका, जितना साल होगा उतना कर देंगे, तो ये 50, ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, है 54, तो रेट कितना हो गया, 4/50 × 100, रेट हो गया 8%,
है ना, कि भाई 50 रुपये प्रिंसिपल ही, अमाउंट है तो 4 रुपये इंटरेस्ट लगा 50 पे, तो 8%। ठीक है, अब बोल रहा है कि ये तो सेम व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट, तो 7500 है, डबल द अर्लियर रेट मतलब 16%, 4 × 5 = 20 और 3 = 23/5 साल का निकाल लें, 0, 5 से काट लो 15 बार, 15 × 16 240 × 23 24 × 2 = 4800, 24 × 3 = 72,720, ये रहा आंसर। तो उस तरह के सवाल एग्जाम में पूछे जाएंगे जो सिंपल कंपाउंड पे बेस्ड होंगे। जो भी आपके पास में सिंपल कंपाउंड आएगा वो एक साथ कंबाइंड क्वेश्चन आएंगे हमेशा, अलग अलग कभी नहीं पूछा जाएगा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन जैसे ये रहा कि इतना हो जाती है 2 साल में, इतना हो जाती है 3 साल में, सर्टेन रेट ऑफ कंपाउंडेड, तो सिंपल इंटरेस्ट इतना इतने साल में, बिल्कुल सेम है, 2 साल की अमाउंट 3 साल की अमाउंट, रेट निकल जाएगा और रेट क्या प्रिंसिपल निकाल दोगे। देखो सिंपल कंपाउंड करना ना करना वो आपके ऊपर है, बट सिंपल कंपाउंड में मेरा आपको एक पर्सनल सजेशन है कि अगर आपने इस टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ाए, इस टॉपिक को आपने बहुत अच्छे से समझा है, तो ही इस टॉपिक के साथ जाइए, वरना इसके साथ जाने की जरूरत नहीं है, मैं आपको कहूंगा। अगर आपने बहुत अच्छे से समझा है तो क्वेश्चन देखो, 2 साल में इतना हो रही है, 3 साल में इतना हो रही है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कंपाउंड, तो सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम, तो प्रिंसिपल पहले फाइंड आउट करो। अब बेसिक, बहुत लोगों को इसके बेसिक्स नहीं पता, वो भागते शॉर्ट ट्रिक के पीछे, 2 साल की अमाउंट, तो कैसे करोगे, 2 साल की अमाउंट दे रखिए 3872, 3 साल की अमाउंट दे रखिए 4259 20, बनाओ, प्रिंसिपल नहीं पता आपको, कैसे करोगे, तो बनाओ बनाओ शाबाश। कुछ लोगों ने माइनस कर दिया, ये इसमें कॉन्सेप्ट काम नहीं करता, कंपाउंड इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट में ए इज इक्वल टू होता है, तो कैसे करोगे 3 साल की 4259.20, इसमें से इसको डिवाइड कर रहा हूं, दिस इज इक्वल टू 1 + R/100, ये बचेगा आपके पास, कैसे भाई, A3/A2, तो रेट 3 साल 2 साल कट जाएगा, एक ही साल बचेगा, पीपी कट जाएगा ये, तो यहां से हम लोग आर निकाल लेंगे, कैसे निकालेंगे यार, देखो बस आर निकल जाएगा, काम हो जाएगा, तो 4259.20 -3872/R/100, बताओ आ रहा है समझ में, नहीं आ रहा है एक बार थम्स अप करो मेरे भाई, थ्री एट सेवन टू कितना हो जाएगा डिफरेंस, डिफरेंस बताओ, अरे डिफरेंस बताओ, 387.2 और नीचे 3872 R/100, यहां मल्टीप्लाई आर 10% आ गया सीधा सीधा, जैसी आर 10% आया तो 2 साल की अमाउंट की बनती, तो 10% है 2 साल, तो कंपाउंड इंटरेस्ट 21 होता है, तो ये वैल्यू कितने की है 121 की है, सौ की निकाल दी, क्योंकि 21% हो गया ना कंपाउंड इंटरेस्ट, 10% 2 साल, तो प्रिंसिपल सीधा निकाल दिया आपने, कितना आ जाएगा बताओ, 11 से 3 बार 33 57, 11 × 5 = 11 × 22 11 से 11 × 3 = 11 × 2 प्रिंसिपल आ गया 3200। अब क्या पूछ रहा था, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है 3200 का इतना परसेंट 6.75, कितने साल के लिए 16/3 अपॉन 100, पॉइंट हटा 100 और नीचे, तो 0 से 0
25 दूनी 50, 25 सत 175, 25 चक्का है ना, 4 से 4 बार, 4 से 25 बार, बस सॉल्व कर लेना जो भी आंसर आ जाएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट को लेकर। एक दो सवाल और देख लो। इसको ट्राई करो, अच्छा सवाल है, अब प्यारा कि एक आदमी ने 1 रुपए इन्वेस्ट किया स्कीम पी पर 2 साल के लिए, सिंपल इंटरेस्ट 15%। क्यू ने इन्वेस्ट किया इतना अनदर सेम ऑफ टाइम 20%। तो पी और क्यू का जो इंटरेस्ट है वो इतना है, तो वैल्यू ऑफ, इस तरह का क्वेश्चन सबसे ज्यादा आएगा। ट्राई करो, शाबाश। बाय ऑप्शन कह रहे कुछ लोग, अपना बेसिक लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक आदमी ने 1 रुपए इन्वेस्ट किया 15% 2 साल के लिए, तो इसका सिंपल इंटरेस्ट हो गया 30% प्लस इतना इन्वेस्ट किया, ठीक है, बीस परसेंट 2 साल का मतलब 44। बस ये आपको समझना पड़ेगा मैं डायरेक्टली कैसे बना रहा हूं। दिस इज इक्वल टू 14050। ये आपको समझना होगा कि मैं 44 कैसे लिख रहा हूं 20 को। शायद मैंने यूट्यूब पर पढ़ाया भी था ये चीज, है ना। अब सॉल्व कर लेंगे यहां से, 30x/100, 44x/100 प्लस 2 0 कटेगा, 25 × 44 1100 है ना, बस। तो ये जाएगा 74x, ठीक है, इज इक्वल टू यहां ले आओ 140, 50 माइनस 1100 जितना आंसर आएगा सॉल्व कर लेना, हो जाएगा ना। तो कर लोगे, एक बार हाँ या ना बोलो फटाफट से सब लोग। इस तरह का मिक्सअप क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछा जाता है इसमें, सबसे ज्यादा इसमें मिक्सअप क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आपने मिक्सअप क्वेश्चन का अच्छा प्रैक्टिस कर लिया तो मैं कहूंगा कि आपने बेस्ट है। मिक्सअप मतलब सिंपल भी कंपाउंड का रिलेशन सबसे ज्यादा पूछा जाता है इसमें। जैसे ये वाला क्वेश्चन 2019 में आया था कि 5200 को पार्टली इन्वेस्ट किया ए 10%, सीआई 2 साल, पार्टली इन्वेस्टेड बी 10%, 4 साल, दोनों से इक्वल इंटरेस्ट है। तो कैसे करोगे कि ए में आपने ए रुपए लगाए, 10% 2 साल मतलब 21% हो गया, बी में आपने बी लगाए 10% 4 साल 40%, ये और ये काट दिया आपने, तो आपने कहा ए अपॉन बी कितना आ गया, सही है, ये 62 होगा बेटा, सॉरी 62 एक्स वो है, ये माफ कीजिएगा 122, ये 52 कटेगा नहीं, सॉरी। अब इसको बांट दोगे, 61 की वैल्यू, ये 122 था एक्चुअल में, तो 1 = 200, ये 8000, इस तरीके से आंसर आ जाएगा। ऑप्शन गलत थे। नितेश बोल रहे नहीं है, नितेश क्या समझ नहीं आई ये बताओ, बताओ भी क्या समझ नहीं आया। उसने कहा 10% 2 साल 21,
10% 4 साल 40% बराबर है 61। क्यों भाई? रेशियो आ गया ना कि ए और बी का इन्वेस्टमेंट का रेशियो ये रहा, तो इसका सम 61 है जो दे रखा उसके बराबर। नेक्स्ट एक और, 1500 रुपये आपने इन्वेस्ट किया ए में आर परसेंट, सिंपल 1500 माइनस एक्स बी में 2R%, 4 साल बाद 25% कम मिल रहा है तो वैल्यू ऑफ एक्स। इस तरह का सवाल सबसे ज्यादा आता है, जो ये समझा रहा हूँ ना, इस तरह का क्वेश्चन मैक्सिमम आता है कि आपने 1500 रुपये लगाया आर परसेंट सिंपल इंटरेस्ट पे, आर परसेंट 4 साल के लिए कितना हो गया 60R। फिर आपने 1500 माइनस एक्स 2R पे लगाया 4 साल के लिए, तो यहां मल्टीप्लाई करोगे 15 दुनी 30, 4 दुनी 8 15 120। भाई 2R है ना ये, 4 दुनी 8R से मल्टीप्लाई, यहां तो 100 कट जाएगा, यहां हो जाएगा 4 दुनी 8 RX/100। तो ये भी आ गया, बोल रहा है कि ए का 25% कम है, मतलब जो ये ए है 25% कम है, मतलब 3/4 है, सही है। थम्स अप, सॉल्व कर लेगा कि 4 साल बाद जो ए का इंटरेस्ट है 25% कम है बी से, तो 75%। थम्स अप। तो एक्स निकाल लेना है ना, तो एक बार कमेंट करके बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। नेक्स्ट एक और, ये भी ऐसी है, डिफरेंस पूछ रहा है। अच्छा दो फॉर्मूले बता रहा हूं, सीआई माइनस एसआई का डिफरेंस होता है पी आर अपॉन 100 का होल स्क्वायर, ये 2 इयर्स का डिफरेंस है। सीआई माइनस एसआई पी आर अपॉन 100 का होल स्क्वायर, ये 3 इयर्स का है, सही है। तो ये आप लोग याद कर लेना इनको, क्योंकि डिफरेंस पे भी सवाल बन जाता है। जैसे ये है डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट 40,000, कंपाउंड इंटरेस्ट 10% 2 साल है, सिंपल इंटरेस्ट 12% 4 साल, तो वही है सेम है, तो 40,000 10% 2 साल, तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो गया 21%, 12% 4 साल 48%, इनके बीच का डिफरेंस 8 में से गया 7 27%, 27 चौके 108। तो आ रहा है बेसिक समझ में, बाकी ट्राई करना, मेरी प्रोफाइल पे जाना, कंपाउंड इंटरेस्ट को अच्छे से देखना समझना, मैंने इसको फ्री ऑफ कॉस्ट भी पढ़ाया स्पेशल में, तो स्पेशल के मेरे वीडियो आप चेक कर सकते हो, कंपाउंड इंटरेस्ट को मैंने Part 1 Part 2 करके फ्री में ही पढ़ाया, ठीक है। चलो तो आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे टाइम एंड वर्क पे, और 12 बजे आज टेस्ट है नंबर सीरीज का, तो मिलते हैं 12 बजे, और आज यूट्यूब की क्लास भी है मेरी, ठीक है साथियों, मैं यूट्यूब का लिंक दे देता हूँ आप लोगों को। YouTube की भी क्लास है, तो YouTube का भी लिंक ले लो, सबको YouTube पर भी आना है, ठीक है। तो मुलाकात करते हैं 10 बजे, थैंक यू सो मच।